हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ होप्स एंड ड्रीम्स यूनिवर्सल स्कूल। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियोस। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा तीसरी का पाठ तीसरा, मात्राएं। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ये वीडियो मोबाइल पे अकेले नहीं देखेंगे, अपनी बुक ओपन करेंगे और जैसे जैसे मैं रीड करवाऊंगी वैसे वैसे रीड करेंगे। अपने पेरेंट्स को या बिग ब्रदर सिस्टर को साथ में बिठाएंगे और पढ़ेंगे। आओ शुरू करें। देखिए, पढ़िए और समझिए। आपको ये पिक्चर्स रिकग्नाइज करनी है और बताना है। व्हाट इज दिस? पत्ता। व्हाट इज दिस? क्या है ये? दादी माँ लगाते हैं ना। एना मछली। कहाँ रहती है मछली? पानी में। नेप हिरन। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में रंगीन चिन्हों को देखकर समझिए। यह रंगीन चिन्ह ही स्वरों की मात्रा कहलाते हैं। देखो, ये रेड कलर का लिखा हुआ ना मात्रा, आ की, ए की, ई की, है ना, ये स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। इस प्रकार व्यंजनों के साथ स्वरों के लिखे जाने वाले निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। किनको मात्रा कहते हैं? व्यंजनों के साथ स्वरों के लिखे जाने वाले निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर, मात्राएं, व्यंजन मात्रा के साथ और शब्द। अ, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, पता है ना आपको, अ की कोई मात्रा नहीं होती, पर ये व्यंजन के साथ, हर व्यंजन के साथ लगता है। क, अ, क, कमल, कमल। आ, आ की मात्रा क, आ, का, काला। इ, इ की मात्रा क, इ, की, किसान। ये छोटी ई की मात्रा है, छोटी साउंड आएगी। ई, बड़ी की मात्रा क, ई, की, कील। उ, उ की मात्रा क, उ, कु, कुत्ता। उ, बड़े उ की मात्रा क, उ, कु। री, री की मात्रा कु, री, री की मात्रा क, क्री, कृषि। ए की मात्रा क, ए, केकड़ा। ए की मात्रा क, ए, कै, कैलाश। ओ, ओ क, को, कोयल। औ, औ की मात्रा क, 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 क मेरा कौ, कौआ। अ, अ की मात्रा क, क, कंगन। अह, क, अह, कह, का, कह। विशेष, आपको पता है बच्चों, र के साथ उ और बड़े उ की मात्रा उसके आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे कहीं भी नहीं लगती, पता है ना आपको, पहले भी बताया हुआ है। र के साथ जो उ की मात्रा होती है ना, र के ना आगे लगती है, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, बल्कि र के साथ उसके बीच में लगती है। कहाँ लगती है? उसके बीच में लगती है। जैसे र उ, तो कैसे लिखेंगे ये देखो, र उ बीच में लगी। रुकना, गुरु, रुचि। र उ, बड़े उ की मात्रा, रू, रूप, अमरूद, रुमाल। हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? हमने सीखा व्यंजनों के साथ स्वरों के लिखे जाने वाले इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। क्वेश्चन है, मात्रा किसे कहते हैं? तो आपने अपनी नोटबुक में क्या आंसर लिखना है, ये क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में करनी है और बुक एक्सरसाइज बुक में। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजनों के साथ स्वरों के लिखे जाने वाले इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। र के साथ उ व ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं लगती, बल्कि र के साथ बीच में लगती है। ओके, अभ्यास।
सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। व्यंजनों के साथ स्वरों के लिखे जाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? अभी बताया ना मैम ने आपको क्वेश्चन भी, है ना? बताइए आप, व्यंजनों के साथ स्वरों के लिखे जाने वाले चिन्ह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर, मात्रा, व्यंजन, बताइए। वेरी गुड, मात्रा। र के साथ ऊ व ऊ की मात्रा लगती है, कहाँ लगती है बताओ? र के बीच में, र के ऊपर, र के नीचे, कहाँ लगती है? यस, वेरी गुड, र के बीच में। स्वरों के सामने उनकी मात्राएं लिखिए। ए, ए की मात्राएं लिखनी है। ऊ लगती है, यस, वेरी गुड, र के बीच में। स्वरों के सामने उनकी मात्राएं लिखिए। ए, ए की मात्राएं लिखनी है। ऊ, ऊ की मात्रा लिखनी है। री, री की मात्रा। ऐसे ही आपने मात्राएं राइट करनी है बुक में। सही वाक्यों के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। र में ऊ की मात्रा उसके बीच में लगती है, बताइए, राइट और क्रॉस? वेरी गुड, राइट। अ किसी भी व्यंजन में नहीं लगता, लगता है ना? क, अ, क, तो क्रॉस। ओ की मात्रा की कोई मात्रा नहीं होती, होती है ना? होती है ना? क्रॉस। अब हम करेंगे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएं। छ आ त आ छाता, त अ ब अ ल आ तबला, क ओ य अ ल अ कोयल। अब हम करेंगे निम्नलिखित स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करके एक एक शब्द लिखिए। जैसे लिखा हुआ क ए, क्या बन गया? के ना, तो उसकी मात्रा लगा के आप शब्द बनाएंगे। जैसे केरला, छ ओ, छो बन गया छोकरा। ऐसे ही आप सारे वर्ड बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है ना, बताया भी है, तो आप इनके आंसर खुद से लिखेंगे। मात्रा किसे कहते हैं, इनका आंसर नोटबुक में भी लिखेंगे और बुक में भी लिखेंगे और कमेंट में भी डालेंगे। र में ऊ व ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, बताया था ना मैंने आपको, कहाँ लगती है? बीच में, वेरी गुड। ये है गतिविधि, एक्टिविटी। चित्र को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ये सारे पिक्चर्स हैं, इनके नाम लिखने हैं। थैंक यू सो मच। ये अच्छे से रीड कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और ये कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।